हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें प्रीति, आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मेरी अपने मायके में शादी के बाद पहली ये ब्लॉग है, और अभी बज रहे सुबह के 5। मैं नहा के रेडी हो रही हूँ। हमें अभी देवघर, बैद्यनाथ और बासुकीनाथ में गठबंधन कराना है अपना। तो बने रहिएगा मेरे इस पूरे ब्लॉग में। अभी मैं हल्की फुल्की से मेकअप कर रही हूँ। जल्दी जल्दी में हमें थोड़ा रेडी होना पड़ रहा है, हम लेट हो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा हड़बड़ी में कर रही हूँ। मैं भी फाउंडेशन नहीं लगाकर सीसी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। मैं हल्का सा यहाँ पे ब्लशर यूज कर रही हूँ। ये सुगर का 3-in-1 पैलेट है, ब्लशर, हाइलाइटर एंड इसमें आपको एक और मिल जाएगा कॉन्टोर। डे का टाइम है तो ओवर ना लगे, इसलिए बहुत ही लाइट लाइट लगा रही हूँ। हल्की सी हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। एंड लास्ट वन मोर स्टेप, मैं लिपस्टिक यूज करूंगी रेड कलर की। अगर आप न्यूली ब्राइड हो, रेड कलर की लिपस्टिक लगा रहे हो, एक सिंपल लगा रहे हो, इनफ है। बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है आपके फेस में। एंड एक दुल्हन का फाइनल लास्ट मेकअप, या कह लो इसे, जो हम डेली लगाते हैं, सिंदूर। उसके बिना तो सारा मेकअप अधूरा है। हमारे यहाँ रूल्स है कि शादी के बाद जब तक फर्स्ट तीज नहीं कंप्लीट हो जाता है, तब तक हमें ऐसे ही नाक से ही सिंदूर करना पड़ता है। तो वही आप देख रहे होंगे मैं कर रही हूँ अभी। जैसे पंजाबियों का कुछ नहीं होता है कि शादी के 6 महीने बाद या कुछ, मुझे अच्छे से पता नहीं है, चूड़ा निकालते हैं, वैसे ही हम लोग में ये सिस्टम है कि 6 महीने तक आपको सिंदूर को नाक पर से ही लगाना है। शादी के अभी 8 दिन हो चुके हैं लगभग, और बालों में अब तक सिंदूर लगा हुआ है। बहुत सारा सिंदूर लगाया जाता है हमारे इधर शादी में। वो टीवी सीरियल्स में जो चुटकी वाला चलता है वो नहीं, खूब सारा भर भर के। अब मैं एक रेड कलर की साड़ी से मैचिंग है तो मैं ये रेड कलर की छोटी सी बिंदी लगा लूंगी। देख सकते हो कैसे लग रही हूँ मैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आती हूँ अब मैं आपको, ड्रेसअप होने के बाद मिलती हूँ। बचा, पीछे बचा।
एक किलो 300 और केला दे दीजिए 2 दर्जन। क्या बोले? देख लीजिए ंगल्ये सुधिके गौरी नारायण नमस्ते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम मंगलाय दे रहा था लिए दक्षिणा दे दीजिए जाना इनको पीछे ले सब चलते जाएगा बाबा हाथ बढ़ाइए हाथ बढ़ाइए। टेम्पू बड़ा हो ले गाड़ी बड़ा तो रख समझ लो भाई घर ये नहीं है अपन चल चलिए हाथ बढ़ाइए बोलो चल चला दीजिए अरे अरे महादेव लीजिए हाथ का उठा लीजिए आप हाथ लगाइएगा बाबू उधर से फोटो लो तो उधर उधर से इधर घूमिए धीरे धीरे खुलते हुए चलिए आराम से खुले नहीं चलिए चलिए धीरे धीरे चलिए ना घुसना नहीं आया यहीं बस रुकिए वहाँ तो फ्री कीजिए वहाँ फ्री कीजिए ना उसको उसको पकड़ा दीजिए अच्छी अगरबत्ती है देखिए जो मांगना मांग लीजिए थोड़ी के लिए अंग
और कुछ देवम भवाने सहितं नमामि ओम जय शिव ओंकार ओम नभ जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा मेरे भोलेनाथ महादेव आराधांगे धारा ओम एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसासन गरुरासन हंसासन गरुरासन वृषवाहन साजे ओम रमादेव द्वय भुज चार चतुर दस भुज यति सोभे शिव दस भुज यति सोभे तीनो रूप निरखता शिव जी के रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम रमादेव चमाला वनमाला रुंडमाला धारी शिव रुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंद केसवर मृग मद चंद भोले सुपकारी ओमार हरार महादेव सीतांबर पीतांबर वागांबर अंबे ओ शिव वागांबर अंबे सदे चक मंडल चक्रति सुलधरता ओ शिव चक्रति सुलधरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओमार हरार महादेव ब्रह्मा विश्व सदा शिव जानत अविवेका ओ शिव जानत अविवेका प्रणवाचण ओ मध्य प्रणवाचण ओ शोभित इति महादेव जल कबर लक्षा थोड़ा सा भी इधर घूमिए आप इनके सामने घूमिए इधर घूमिए माला जैसे फोटो फोटो पकड़ो फोटो पकड़ो फोटो पकड़ो पकड़ो बाबा बनाइए तुमको फोटो लगाओ बोलिए बाबा वासुकीनाथ की जय मैया पार्वती की जय सच्चे दरबार की जय हर हर महादेव हाँ तो हम दे दिए दियो हटो तो अब हम सब आ गए हैं देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम। ये 12 ज्योतिर्लिंग में 9वां स्थान में बाबा बैद्यनाथ धाम आता है, जो कि एक शक्तिपीठ में भी एक है। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने के वजह से हम पूजा नहीं कर पाए थे। वासुकीनाथ धाम में हम पूजा किए थे, बैद्यनाथ धाम में हम पूजा नहीं कर पाए और हमें जल्दबाजी में घर भी जाना था, तो बस हम गठजोड़ अपना कराए और श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य अहनि द्वितीये प्रार्धे श्री श्वेत वारह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे
भारतवर्षे भरतखंडे आत्मदेशे अंतर्गत बाबा बैद्यनाथ धाम क्षेत्रे मासोत्तमे मासे सप्तमे मासे फाल्गुने मासे शुक्ले पक्षे शुक्लपुण्य तिथौ दशम्यां बुधवासरे सकल परिवारस्य कल्याणार्थ नवविवाहित मनोकामना गठबंधन सकल कामनाया सकल शांति समृद्धि प्राप्ति बाबा पार्वती द्वारा पार्वती गठबंधन संकल्प महंग कार्य Thank you.
अगर यहाँ पूजा करने आओ तो ये जो रेस्टोरेंट दिख रहा है आपको शिव शक्ति, यहाँ पे कभी मत खाना, प्राइस बहुत कम है, खाना भी बहुत घटिया है, इसलिए यहाँ पे कभी मत खाना।